टारगेट कर रहे हैं ना। मोदी जी को टारगेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मोदी जी कह रहे थे भाइयों बहनों मित्रों जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको पकड़ के लेके आ जाऊंगा, 15-15 लाख खाते में डलवा दूंगा। ना 15 है ना 15 लाख है, उल्टा नीरव मोदी जैसे लोग देश से पैसा लेके फरार हो गए। तो मोदी को इसलिए कह रहा हूँ कि कुत्ते की पूंछ को 12 साल पाइप में रख लो, रहेगी वो टेढ़ी की टेढ़ी ही। लेकिन इस कहावत में हल्का सा बदलाव करते हुए कहूंगा कि कुत्ते की पूंछ एक बार को सीधी हो सकती है, लेकिन भाजपा के अंधभक्त और भाजपा के पालतू पत्रकार ये कभी नहीं सुधर सकते। दूसरी बात ये कि एक कहावत है कि बंदे जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा, अगर बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से लाएगा। जब नफरत का बीज बोएंगे देश में तो नफरत के बदले में तो यही मिलेगी। तरफ जहां कंगना रनावत को थप्पड़ पड़ा, वहीं पीएम मोदी की गाड़ी के ऊपर चप्पल फेंकी गई। देखिए जनता सोशल मीडिया पर लिख रही है कि थप्पड़ और चप्पल जारी है, अब लात घूसों की बारी है, और लात घूसे भी चल गए, कहीं कुर्सियां फिक गई आपस में ही। देश के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति बना रखी है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन देश के अंदर के आंतरिक गृह युद्ध से पहले कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर आंतरिक गृह युद्ध ना हो जाए, ये बात देखनी बेहद जरूरी है। जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लतियाया जा रहा है, कहीं किसी को एयरपोर्ट पे थपाया जा रहा है, कहीं किसी के ऊपर चप्पल बरसाया जा रहा है, तो कहीं किसी का चुनाव के दौरान जूतों की माला से स्वागत कराया जा रहा है। तो अब ये देश एक परिवर्तित दिशा की ओर चला गया है। जिस तरीके से हिंसा भड़का रहे क्योंकि आप उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो चप्पल फेंक रहे हैं, जो थप्पड़ मार रहे हैं। एक बात नहीं, मेरे को एक बात आप मुझे बताइए, मैंने कौन सी हिंसा भड़का दी? क्योंकि आप बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, मैंने कौन सा बढ़ावा दे दिया? मैंने तो बताया कि सोशल मीडिया पे लिखा हुआ है, मैंने थोड़ी कहा है। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर अगर चप्पल फेंकी गई तो उस आदमी को गिरफ्तार करो, सिक्योरिटी पे सवाल खड़े होते हैं। दूसरी बात ये कि देश की तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो ये कि ना तो इस देश के अंदर शिक्षा मंत्री से पेपर संभल रहे, ना रेल मंत्री से रेल संभल रही, ना वित्त मंत्री से फाइनेंस संभल रहा, और ना प्रधानमंत्री से देश संभल रहा। तो ऐसे मंत्रियों की जरूरत क्या है, जरा मुझे सवाल का आप जवाब दे दीजिए। आए दिन इस देश के अंदर परीक्षाएं लीक हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 40 करोड़ रुपया का खर्चा करके एक कार्यक्रम चलाया था परीक्षा पे चर्चा। मैं खुले तौर पर कहना चाहूंगा कि जिस बात का ये भी नहीं पता कि इस आदमी ने कभी परीक्षा दी है, वो आदमी परीक्षा पर चर्चा कर रहा है। पहली बात डिग्री पर सवाल ना उठाए क्योंकि डिग्री अमित शाह जी ने दिखाई है, डबल एमए है इंटर पॉलिटिकल साइंस। जी, अब मुझे एक बात आप ये बता दीजिए कि जरा पूरे वर्ल्ड में ये सब्जेक्ट और ये कोर्स कहाँ पाया जाता है? गुजरात यूनिवर्सिटी की है डिग्री। गुजरात यूनिवर्सिटी की है, और अगर गुजरात यूनिवर्सिटी में ये डिग्री नहीं मिली तो आप क्या करेंगी? आप अपने आप को गधा मानेंगी? अमित शाह जी से कहे क्योंकि उन्होंने डिग्री दिखाई है। मैं आपसे कह रहा हूँ, अमित शाह जी ने डिग्री दिखाई, मैं उसकी बात, मेरी बात सुन लीजिए। अगर कल को मैं कहीं से गोबर उठाकर आपके मुंह पर लगा दूं और कह दूं कि ये चवनप्राश है, मेरी बात सुन लीजिए, तो आप खा लेंगी? गृह मंत्री है, झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। मेरी बात सुन लीजिए, गृह मंत्री बनने से पहले कहाँ के दर्शन करके आए हैं और कहाँ की यात्रा करके आए हैं आपको पता है? बताइए ना आप मुझे। हाँ, ये मुंडी मदुराई की मुंडी मिल गई ना, अब तो क्लीन चिट मिल गई ना, क्लीन चिट मिल चुकी। अगर क्लीन चिट गृह मंत्री को नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी? असल में ये परीक्षाएं इसलिए लीक होती हैं क्योंकि इस देश के नेताओं को बिल्कुल भी इस देश की चिंता नहीं है, चाहे वो नीट की परीक्षा हो, चाहे वो यूजीसी की परीक्षा हो, चाहे वो आर्मी की परीक्षा हो, चाहे वो एसएससी की परीक्षा हो। दर्जनों पेपर लीक इस देश के अंदर हुए हैं, लेकिन मजाल है प्रधानमंत्री के मुंह से कुछ शब्द निकल जाए। तो मैं आपसे ये पूछ, कानून बनेगा, कानून बहुत तगड़ा बना रहे हैं जिसमें अगर जो पेपर लीक करेगा उसको 10 साल की सजा है। मतलब आज से पहले पेपर लीक पे कोई सजा ही नहीं थी? थी नहीं क्या? थी ना सजा? पेपर लीक पर तो पहले भी सजा थी। भैया कानून इस देश के अंदर हर चीज के ऊपर बना हुआ है, बेटियों की सुरक्षा पे भी बना हुआ है, लेकिन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है ना, क्योंकि कानून तो बनता है लेकिन कानून पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है। कानून पे इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं होता, अरे मेरी बात सुन लीजिए, कानून पे इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं होता कि किसी के साथ गलत हुआ, पुलिस अपनी जान पे खेल के उसे पकड़ कर लेकर आई, पुलिस वाले के पास फोन आ जाता है, हेलो नेताजी का करीबी आदमी है, खो छोड़ दो, हमारा करीबी है, बता रहे इतनी दूर ट्रांसफर करेंगे, ड्यूटी पुटी सब हटा देंगे, सस्पेंड कर देंगे। वो दो पौड़ी का नेता, अनपढ़, जाहिल और गवार, जो कभी स्कूल नहीं गया, कभी कॉलेज नहीं गया, वो एक आईएएस और आईपीएस को फोन करता है? शर्म नहीं आती इन दो पौड़ी के नेताओं को? एक पुलिस वाला जो अपनी जान पर खेलकर, आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, एक आईएएस बनने के लिए,
एक आईपीएस बनने के लिए, एक डॉक्टर बनने के लिए, एक इंजीनियर बनने के लिए, एक पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए, एक इंडियन आर्मी का यानी देश का सेवक बनने के लिए आपको कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, आपको इंटरव्यू पेश करना पड़ता है। लेकिन एक देश का नेता जो ना पढ़ा ना लिखा, अनपढ़ और जाहिल और गवार, जो कभी स्कूल नहीं गया, वो आदमी आज इस देश को चला रहा है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। क्या चीज? सारे नेताओं का अपमान, सारे नेताओं का अपमान संविधान में कहा लिखा हुआ है? मेरी बात नेता पढ़े लिखे होने चाहिए। मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप जो कह रही है सारे नेताओं का अपमान कर रहा हूँ, क्या नेता पढ़े लिखे नहीं है? नितिन गडकरी पढ़े लिखे आदमी है, अखिलेश यादव पढ़े लिखे आदमी है। भैया अखिलेश यादव अगर पढ़े लिखे आदमी है तभी तो बेटियों के हाथ में लैपटॉप थमा रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, बेटियों के हाथ में लैपटॉप थमा रहे हैं? अभी अनपढ़ जाहिल और गवार हैं जो कह रहे छुरियों में दहार लगा लो, वो कह रहे प्रधानमंत्री, भाइयों बहनों मित्रों वो मुझे गाली देते हैं, भाइयों बहनों वो मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये प्रधानमंत्री की चर्चा है? चप्पल मारेंगे जी, तो क्या चप्पल फेंकेंगे या फिर थप्पड़ मारेंगे? एक बात आप मुझे बताइए, जिसकी बेटी की इज्जत लूट गई, आप मुझे बताइए चप्पल जूते, आज एक बात आप मुझे बताइए, चप्पल जूते जो बरस रहे हैं, एक बात मुझे बताइए क्यों फेंक रहे? अनशन करें आप, बैठे सड़कों पर। अनशन करने के लिए और बैठने के लिए देश की बेटियां सड़क पर बैठी थी। देश की बेटियां नीट की जो परीक्षा लीक हुई उसको लेकर दिल्ली की सड़कों पर बैठी। जो प्रधानमंत्री कहता है कि ये पूरा जो देश है ये मेरा परिवार है, उस प्रधानमंत्री के राज में हमारे देश की बेटियों को बेरहमी के साथ उठाकर डिटेन किया गया। क्या शर्म नहीं आई इस देश की पुलिस को, प्रशासन को? आप जैसे लोग बच्चों को बरगला रहे, कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं। अरे शिक्षा मंत्री कौन शिक्षा मंत्री है जरा ये बताओ, है? नहीं, पेपर कोई लीक नहीं हुआ तो आपने ऐसे पेपर कैंसिल कर दिए? आप मुझे बताइए ना, आप एक बात, कल को तो आप ये कह देंगे कि नीरव मोदी जो है वो भी देश से पैसा लेकर नहीं भगा, ये लोग देश को बरगला रहे हैं। कल को तो ये लोग ये भी कह देंगे कि मोदी ने ये नहीं कहा था कि 15 लाख खाते में आएंगे, वो तो कह दिया कि ये जुमला है। कल को आप ये भी कह देंगे कि भैया हमने बुलेट ट्रेन का वादा नहीं किया। कल को आप ये भी कह देंगे कि हमने बेटियों की, महिलाओं की सुरक्षा का बात नहीं किया। दूसरी बात ये कि एक कहावत है कि बंदे जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। अगर बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से लाएगा? जब नफरत का बीज बोएंगे देश में तो नफरत के बदले में तो यही मिलेगी। अगर मोहब्बत बांटेंगे तो क्या अब क्या लग रहा है, क्या बीज, क्या थप्पड़ और चप्पल मारेंगे? देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से जनता आक्रोश में है, इस जनता का आक्रोश, जनता आक्रोश में कैसे? क्योंकि देखिए आप चाहे कितनी भी आलोचना कर ले, लेकिन मोदी जी 30 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। एक कहावत है और एक बड़ी प्यारी सी कहावत है, आप लोगों ने सुनी होगी, आपके यहाँ पर अलग अलग शब्दों में जवाब दीजिए कि कुत्ते की पूंछ को 12 साल पाइप में रख लो, रहेगी वो टेढ़ी की टेढ़ी ही। लेकिन इस कहावत में हल्का सा बदलाव करते हुए कहूंगा कि कुत्ते की पूंछ एक बार को सीधी हो सकती है, लेकिन भाजपा के अंधभक्त और भाजपा के पालतू पत्रकार ये कभी नहीं सुधर सकते। जवाब दे, ये कह रही है मोहतरमा, ये मोहतरमा कह रही है कि प्रधानमंत्री का कहीं विरोध नहीं है, ये जो सड़क पर प्रधानमंत्री तो बने ना, मेन सवाल ये है ना, जनता ने चुना। मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस दावे के साथ कैसे कह सकती है कि जनता ने चुना है? तो जीत का है ना? अरे जीत का कैसे है? वोटों से जीते हैं ना? मैं आपसे कह रहा हूँ कैसे जीते हैं, आपको पता है कैसे जीते? 1.5 लाख वोट से जीते। क्या पता मशीन से जीते हो, किसको क्या पता है कि कैसे जीते हैं? जब आप एक बात मुझे बताइए, और आप मना भी कर देंगे, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, आप मना कर दीजिए कि चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में बेमानी नहीं हुई थी, कर दीजिए ना मना। वो तो आप इसलिए हुई तू कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि आपके सुप्रीम कोर्ट ने यानी देश के सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फैसला सुनाया और वीडियो रिकॉर्डिंग आपके चाचा की साफ करतूते सामने आ गई थी। और अपने साहब के बारे में आप क्या कहेंगी, साहब क्या कर रहे हैं? आप मुझे ये तो बताइए, आपके साहब जब बेटियां या धरना और प्रदर्शन कर रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, तो आपके साहब एलन मैसी के साथ सेल्फी ले रहे हैं, साहब को शर्म नहीं है? ये बताइए ना मुझे, साहब को थोड़ी बहुत शर्म बाकी है नहीं बाकी है, ये मुझे बताइए। पसंद नहीं है ना कि देश मजबूत हाथों में रहे? ओहो, देश मजबूत हाथों में, देश इतना मजबूत हाथों में है कि एक आदमी पेपर नहीं संभाल पा रहा, इतना मजबूत हाथों में है। इसे मजबूत कहते हैं, जो आदमी एक पेपर नहीं संभाल सकता वो देश संभालेगा? अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 10 साल चला लिया, 10 साल देश को संभाला, 5 साल और संभालेंगे। देश को जब संभाला, हाँ। और जब देश को संभालने के लिए आए थे साल 2014 में, उस वक्त देश पर कितना कर्जा था, जरा आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगी तो कितना कुछ हुआ है, विकास कितना हुआ है देश में,
आपके चाचा भतीजे मामा ये सबके बच्चों का नाम विकास है क्या? आपके घर में विकास हुए होंगे सबसे ज्यादा, इसीलिए आपको पता है कि विकास हो गया। आपको तो बस मोदी जी की आलोचना करनी है, अच्छे काम तो नजर नहीं। मैं मोदी जी की प्रशंसा कर देता हूँ, आप मुझे बताइए कि मोदी जी की प्रशंसा वाले कार्य कौन से बताइए। राम मंदिर बनवा दिया, अयोध्या का 5 किलो अनाज दे दिया, शौचालय बनवा दिए और नई योजनाएं ला रहे हैं और ज्यादा। सबसे पहले तो ये जो पत्रकार है मुझे बोलना चाहिए, साल 2014 से पहले ये भूखी थी, इनके पास खाने को रोटी नहीं थी, मिट्टी खा रही थी ये। पर्सनल क्यों जा रहे हैं? क्यों ना जाऊं? आप भी तो कह रही हो कि मोदी ने राशन दिया। मोदी भूखा सोता है, पहले सोते थे, अब कोई भूखा सोता है? देखा आपने? भूखा नहीं सोता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो आंकड़ा है पढ़ती हो क्या? ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में जरा ये बताओ। अरे मैं कह रहा हूँ ये बताओ आप मुझे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? इनको ये नहीं पता कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये अपने आप को पत्रकार कहती हैं। जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। अभी सुन लीजिए, अभी इनके चाचा यानी साहब इनके अभी अटल टनल का उद्घाटन करके आए थे कुछ ही महीने पहले। अटल टनल का नल बिल्कुल यूं हो गया है कहीं पे, अभी आप देख लीजिए प्रगति मैदान में नीचे से पानी आ रहा है, नई पार्लियामेंट में पानी आ रहा है। मोदी सरकार के राज में जो जो काम हुए सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। वो जो प्रगति मैदान वाली जो आपने वो देखा टनल जो बनी थी, उसको साफ तौर पे कह दिया गया है कि वो कभी भी गिर सकती है, वो रिपेयर हो ही नहीं सकती है। जिस तरीके से जो अंधभक्ति वाला दिमाग है रिपेयर नहीं हो सकता ना आपके जैसा, वैसे वो टनल भी रिपेयर नहीं हो सकती। अब जो अटल वो आपको जो बताई थी अटल टनल वो भी हो गया उसका काम, तो साहब के राज में आज हर चीज जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। घोटाले तो नहीं किए ना जो और पिछली सरकारें घोटाले करती थी बड़े बड़े? ये कह रही है कि घोटाला नहीं हुआ। एक बात आप मुझे बताइए, लाल किला कब बना था? खैर आपको पता ही नहीं होगा, जब आपको यही नहीं पता कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को हिंदी में क्या कहते हैं तो आप ये कहां से बताएंगे कि लाल किला कब बना था? लाल किला बना था मतलब क्या? नहीं नहीं मैं बताऊंगा ना कैसे, मतलब क्या? आपका घर कब का बना हुआ है? बहुत पहले बना था। बहुत पहले बना था? क्या बहुत पहले के बाबा आदम के जमाने में बना था? कब का बना था? 10-20 साल पहले। 10-20 साल तो हो गए होंगे, उससे भी ज्यादा हो गए। उससे भी ज्यादा हो गए तो आपका कभी घर गिरा है? क्यों नहीं गिरा? और आप कह रहे हैं कि क्यों गिरा, क्यों नहीं, क्यों गिरेगा, है ना? क्योंकि इसलिए नहीं गिरा क्योंकि आपके पिताजी वहां खड़े होकर या आपके दादाजी ने खड़े होकर मजबूत सीमेंट लगवाया होगा, मजबूत पिलर लगाए होंगे, क्योंकि जो घर की जो नींव होती है वो पिलर से होती है, मजबूत पिलर लगाए होंगे। तो कहना क्या चाहते हैं? कहना मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके नहीं अरे मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, अगर आपके दादाजी आप कह रहे हैं मोदी जी खड़े रहे, आपको मतलब तो वही है ना? एक बात आप मुझे बताइए, परिवहन मंत्री नहीं होता, सड़क परिवहन मंत्री होता ही नहीं होता है? हाँ, तो मोदी जी पे टारगेट आप कर रहे हो ना? मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं ना? मोदी जी को टारगेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मोदी जी कह रहे थे भाइयों बहनों मित्रों जितने भ्रष्टाचारी है सबको पकड़ के लेके आ जाऊंगा, 15-15 लाख खाते में डलवा दूंगा। ना 15 है ना 15 लाख है, उल्टा नीरव मोदी जैसे लोग देश से पैसा लेके फरार हो गए। तो मोदी को इसलिए कह रहा हूँ, मोदी को इसलिए कह रहा हूँ। तो आपको ये बात पहले मेरे को पूरा मेरे पर मुकदमा कर दीजिए, मैं अपने आप देख लूंगा कोर्ट में, मैं खुद एडवोकेट हूँ, आप देख लूंगा, आप जैसे लोगों को देखने का मेरा काम है। दूसरी बात ये मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जब आपके पिताजी ने अच्छा रोड़ी बदरपुर सीमेंट लगवाया तो आज भी आपका घर ठीक ठाक है ना? लेकिन इस आदमी ने उस पैसे को उद्योगपतियों की जेब में डाला, व्यापारियों की जेब में डाला, ठेकेदारों की जेब में डाला, जिस कारण देश के पुल गिर रहे हैं और नौजवानों के पेपर लीक हो रहे हैं। कोई भी कानून बन जाए, कुछ भी बन जाए, कानून पानून सब ये जो का जो ना माइंड वॉश करने के लिए दिखाने के लिए, वरना कानून क्या पहले नहीं बना हुआ? कानून तो पहले भी बना हुआ है। और जब देश में बेटियों के साथ बलात्कार होता है तो नया कानून आ जाता है, लेकिन क्या उसके बाद बलात्कार पे अंकुश होता है? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कानून तो बनते हैं लेकिन कानून पर इम्प्लीमेंट कब से होगा ये देखने वाली बात है। और कब नेता बंद करेंगे फोन करना एक पुलिस ऑफिसर को कि नेताजी का आदमी है छोड़ दो, तभी इस देश में परिवर्तन आएगा। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।